है दोस्तों, अगर इसका नाम पाखर भी रख सकते थे ठीक है ना, लेकिन लेकिन जो पहले के ज़माने का आदमी होता है ना, वो अपने प्यार से जो भी नाम रख दिया ठीक है, लेकिन आप अगर वो ख़त्म भी हो जाएगा, उसका नामो निशान मिट जाएगा ना, तो उस जगह का नाम तो समझ नहीं सकते दोस्तों। और अभी तो गेहूं की कटनी शुरू है दोस्तों, और इसको किस तरीके से काटते हैं आपको मैं दिखा। चौक की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं खूबसूरत नजारे के साथ एक ओके सब्सक्राइब एंड लाइक। टेम्पू से हमारे ब्रादर लोग थे, जैसे कि मस्सा पड़ोस गांव के थे, तो हम लोग को पहचानते हैं यूट्यूब पे चैनल खोले हुए, तो देख सकते हैं दोस्तों इधर का नज़ारा। ओके बात चलते हैं चौक की तरफ का, चौक की तरफ का नज़ारा दिखाने वाला हूँ आपको। तो आप लोग करना है क्या, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत तो दोस्तों ये देख सकते हैं जो हमारे चौक का नज़ारा है, बहुत अच्छा व्यू के साथ हमारे चौक का जो है बीच चौक ये कहा जाता है, एकदम चार रोड है, एक इधर धनकोल वाला है, वो करवा वाला है, ये मदलोन वाला है वो। और दोस्तों हम चौक पर आ चुके हैं, अभी देखते हैं इधर का नज़ारा क्या लगता है मेरे को भाई। दोस्तों ये देख सकते हैं जो हमारे गांव का चौक चल रहा है, क्या मतलब दोस्तों हम गाछी माह जाएंगे तो देख सकते हैं चौक का नज़ारा, आपको थोड़ा आगू से दिखा के आते हैं जो चौक का नज़ारा है, जो हमारे गाँव का चौक चल रहा है, जो कि हर चीज़ का सामान मिल जाएगा आपको। दोस्तों ये रहा हमारे चौक का अंतिम जो बाज़ार रोड बोला जाता है इसको, जो ये बाज़ार रोड कहा जाता है। दोस्तों आपको हम चौक दिखाने वाले थे, चौक के बाद गाछी की तरफ जाने वाले हैं, जो बहुत अच्छा व्यू आने वाला है। तो एक लाख भाई मेरे साथ हैं, तो चलते हैं यहाँ पर घूम करके फिर यही रोड पे। ये दोस्तों ये हम चले गए करवा रोड, जो कि तो अभी एक लाख भाई गए हैं रिचार्ज कराने, रिचार्ज करा रहे हैं एयरटेल जियो सब। दोस्तों क्या ही बोल सकते हैं, मूड नहीं था व्लॉग बनाने का, लेकिन मैं चौक की तरफ आया हूँ तो व्लॉग शूट कर रहा हूँ दोस्तों। तो करवा माह जाने वाले एयरटेल का नहीं चलो गांव में काठी में जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम इसको लेके जाएंगे। ये हो गया धनकोल रोड, लेकिन जा रहे मदरमन की तरफ और कुछ ज्यादा एंजॉय के साथ प्रसन्न चीज है। ये दोस्तों हो गया मंजर, चुप रे चुप बिल्कुल चुप चुप बात। दोस्तों ये हो गया मंजर मार्केट, जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कूल है, देख सकते हैं कौन कौन स्कूल है, आप पढ़ लीजिए खुद ब खुद। ठीक है दोस्तों यहाँ पे कुछ ज्यादा अच्छा लगता है। बता दो यहाँ पे जो चौक जो है ना, चौक से पूरा हटके ये मंजर मार्केट है, जहाँ इसको मंजर मार्केट से बुलाया जाता है, लेकिन बहुत सारा दुकान भी, स्कूल तो हद से ज़्यादा नहीं हो सकता, दो स्कूल है, लेकिन बहुत अच्छा है। तो हम चलते हैं अपने गांव की तरफ और मस्ती इंजॉय के साथ, अब गाछी की तरफ भी जाऊँगा। तो आप लोग करना है क्या, पूरा व्लॉग को वॉच करेंगे। तो ये दोस्तों हो गया जामा मस्जिद, जो मजमून का जामा मस्जिद। ये दोस्तों हो गया हमारे गांव का एक लाख बाबू का केला का बगीचा। अब तो अनु दोस्तों मैं अफ्तार के लिए लिया था तरबूज, तो एक लाख भाई ले जो ला आधे पकड़े हुए हैं। चलते दोस्तों सब छोड़ के बाद के मैं इधर इंजॉय ले रहा हूँ। और दोस्तों आपका ये वाला व्लॉग जो है कुछ भी अच्छा लगता होगा, कहीं भी अच्छा लगता होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये पाखर पे चलते हैं, पाखर पे आपसे मिलते हैं और छोटे मोटे बच्चे के साथ दिखाते हैं।
छोटे मोटे बच्चे को जो पढ़ाए। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी हो। तो देख ही सकते हैं आप जो अभी अभी बिहार दरभंगा जिला में किस तरीके से फसल उगा है, आप देख ही सकते हैं जो गेहूं की फसल है जो कटने चालू है दोस्तों, और इधर का आप देख ही सकते हैं किस तरीके का उपजाहट हो रहा है। इधर देख सकते हैं जो हरी सब्जी उगाया गया है जो कि, तो हेलो दोस्तों देख ही सकते हैं आप कि किस तरीके से फसल निकला है जो दरभंगा जिला में निकला है दोस्तों, जो बिहार है तो समझ ही सकते हैं दोस्तों। और अभी जो गेहूं की कटनी शुरू है दोस्तों, इसको किस तरीके से काटते हैं आपको मैं दिखाता हूं, और वो भी इसको कब काटते हैं कैसे काटते हैं वो भी दिखाऊंगा। आइए दोस्तों आपको मैं बताता हूं गेहूं कब काटने का होता है। यहां पे आप दिखा सकते हैं कैमरा मैन, जल्दी आइए। तो हमारे दोस्त हैं जो एक लाख बाबू हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों जो गेहूं की जो बाल होती है ना ऊपर की, ये देख सकते हैं जो खड़ा रहता है ना, ये देखिए इसमें ये अभी तैयार नहीं हुआ खोल से, ये देखिए जो झुक चुका है ना वो समझिए कि इसमें दाना तैयार है। तो चलते दोस्तों बने रहेंगे वीडियो के एंड तक, इंशाल्लाह इस मतलब फसल जो है बहुत ज़्यादा अच्छा निकला है हर एक किसान का। बेटा तरक्की कर सकता है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह दुआ दीजिए कि तरक्की कर दे एंड हाँ हाँ यूट्यूब पे वायरल हो जाए। दोस्तों आप यहाँ पे जो है ना इसको काटने के बाद इसको इस तरीके से रख देते हैं, ये दूसरा खेत है ठीक है, इसको अलग से बोझा बांधते हैं, उसके बाद जो दौनी वगैरह करते हैं वो वाला आपको भी वीडियो दिखा दिया हूँ, और नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा ठीक है। ये हमारे इखलाक भाई हैं, तो चलते हैं दोस्तों उस जगह पर आपको मिलते हैं। तो चलते इखलाक भाई, तो आज का जो व्लॉग है ना बताए थे बहुत अमेजिंग आपको मैं जहाँ तक कि दिखाई दिया हूँ कि कितना मस्त लग रहा है गेहूं की फसल, इसको भी काटेंगे और इसको तो काट ही रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों बने रहेंगे वीडियो के एंड तक। दोस्तों आपको मैं बता दूँ ये मेरा मोबाइल जो है 32 GB रैम का मोबाइल है, बहुत तो बहुत जल्द स्टोरेज भर जाता है मोबाइल का, आप समझ ही सकते हैं किस तरीके से भर जाता है दोस्तों, बहुत दिक्कत होता है वीडियो बनाने में। अब मेरा जो है ना सिम क्या बोलते हैं मेमोरी भी है तो यार अलग से लगाया हूँ, समझ ही सकते हैं। छोड़िए दोस्तों चलते हैं वहाँ पे, आपको मैं दिखाता हूँ जो गेहूं की फसल भी है उसको भी दौनी कर रहे हैं, दूर है कैमरा जूम हो सकता है तो दिखा देंगे, है ना इखलाक भाई, और ठीक ठाक है ना एकदम बढ़िया। तो चलते हैं दोस्तों भाजी पाखर, तो भाजी पाखर आपको बोलने में शर्म भी लगता है दोस्तों, लेकिन नाम उसी चीज़ से पुकारा जाता है। तो चलते दोस्तों वहाँ पे एक और अच्छी बात बताएंगे आपको जो समझ में जल्दी आ जाएंगे। तो हेलो दोस्तों अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं जो हम लोग इनको भौजी पाखर बोलते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बताने वाला था, तो ये देख सकते हैं हमारे इखलाक भाई क्या कर रहे हैं, जो मौसरी का जो है ना क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं इखलाक, भूसा बोलते हैं इनको जो, उसका क्या कर रहे हैं भाई, फोटो खींचने के लिए। हाँ तो इसका ये फोटो आपको व्लॉग में दिखा दूंगा किस तरीके से होता है, इसको मालूम है फोटो वगैरह किस तरीके से होता है, हमको बस व्लॉग बनाने आते हैं ठीक है ब्रदर। ये दोस्तों आपको मैं इधर बता देता हूँ जो भौजी पाखर के बारे में आपको बताने वाला था, जो हम लोग भौजी पाखर बोलते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कितना मौसरी का टाल लगा हुआ, मौसरी का टाल नहीं मौसरी का भूसा का टाल लगा हुआ है, तो आपको मैं सही से दिखाता हूँ दोस्तों, इनको बोलते हैं मौसरी का भूसा, जो माल जाल को भी दिया जाता है, लेकिन जिसके पास माल जाल नहीं रहते हैं ना वो इसी तरीके से रख देते हैं बेचने के लिए ठीक है ब्रदर। देख लिए आपको हम इधर के बारे में बताता हूँ जो भौजी पाखर है दोस्तों, अगर इसका नाम पाखर भी रख सकते थे ठीक है ना, लेकिन लेकिन जो पहले के ज़माने का आदमी होता है ना वो अपने प्यार से जो भी नाम रख दिया ठीक है, लेकिन अब ये कट भी जाएगा, ये बड़ा भी हो जाएगा ना पेड़, ये पेड़ अगर बड़ा भी हो जाएगा कट भी जाएगा तो ये जगह का नाम भौजी पाखर से नाम जाना जाएगा, होता है कि नहीं होता है अब जरूर बताइएगा। कहीं पे भी जाइए कोई ऐसा चीज़ का नाम रहेगा ना वहाँ पे, अगर वो ख़त्म भी हो जाएगा उसका नाम और निशान मिट जाएगा ना, तो उस जगह का नाम उसी चीज़ से नाम जाना जाएगा, है ना इखलाक भाई। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसका फ़ोटो वगैरह खींचना है, कैसे करना है ब्रो। हेलो दोस्तों, दोस्तों ये व्लॉग को इसी जगह पर एंड कर रहा हूँ दोस्तों, व्लॉग में जो ना शुरू में व्लॉग जो आपको दिखाया था अगर उसमें बोरिंग महसूस हुआ होगा तो दोस्तों इनके लिए सॉरी, और वहाँ पे जो ना आपको मैं फेस नहीं दिखाया था उतना, बस ऐसा ही बता रहा था गांव घर के बारे में दिखा रहा था दोस्तों, अगर वहाँ पे बोरिंग महसूस हुआ होगा तो उनके लिए सॉरी चाहता हूँ दोस्तों। अरे हमारे इखलाक भाई हैं जो गाँव से हैं, जो गाँव के हैं, है ना, तो दोस्तों इनका भी चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इनसे जा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों।
तभी हम लोग यहाँ पे बैठ करके एंजॉय ले रहे हैं। यहाँ पे अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठने में। यहाँ पे क्या बोलते हैं इनको यार, जो बैठने वाला है पूल बोलते हैं ना, अतः पूल में बैठे हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बैठने में कितना मस्त लग रहा है, जो फसल को उठाया भी जा रहा है, वहाँ पे दौनी भी किया जा रहा है, सब तो एकदम मस्त लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आज का व्लॉग हमको इसी जगह पे एंड करना पड़ेगा, तो बाय बाय कर दो मेरे भाई जान, चलते दोस्तों बाय, ऐसे करेंगे ना। हाँ।